रक्षाबंधन पर पड़ रहा भद्रा का साया। इस मुहूर्त में भूल कर भी ना मनाएं त्योहार, शुभ मुहूर्त में ही बांधे राखी, तभी भाई के जीवन में आएगी खुशहाली। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को उम्र भर रक्षा का वचन देता है और उपहार देता है। लेकिन इस बार राखी को लग गई है भद्रा की नजर। जी हाँ, सिर्फ भद्रा ही नहीं, उस दिन पंचक भी पड़ रहा है, यानी ऐसे दो अशुभ योग जिसमें राखी नहीं बांधी जाती है। ऐसे में लोगों के बीच राखी बांधने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दुविधा ये है कि रक्षाबंधन के दिन कब तक रहेगा भद्रा और पंचक का साया और कब है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। तो चलिए हम आपकी कंफ्यूजन करते हैं दूर और आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कब है रक्षाबंधन और कौन सा है राखी बांधने का सबसे उत्तम मुहूर्त। हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को सोमवार के दिन है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भद्रा सुबह 5:52 से दोपहर 1:32 तक रहने वाली है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। पौराणिक कथा में भी लिखा है कि लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इसी वजह से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती। भद्रा काल के साथ ही 19 अगस्त को शाम 7 से 20 अगस्त को सुबह 5:52 तक पंचक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार इस अशुभ समय में राखी बांधना निषेध होता है, इसलिए इस बार रक्षाबंधन का त्योहार सुबह में नहीं मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भद्रा के खत्म होने के बाद यानी दोपहर 1:32 के बाद शुरू होगा, जो शाम 6:25 तक रहेगा। इस अवधि को राखी बांधने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जा रहा है। इस मुहूर्त में ही अपने भाई की कलाई में राखी बांधें, लेकिन उससे पहले थाल जरूर सजा लें, जिसमें राखी, रोली, अक्षत, मिठाई और धूप रखें। राखी बांधते समय बस एक बात का ध्यान रखें कि राखी भाई के दाहिने हाथ में ही बांधें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं, फिर आरती उतारें और उसके सुखद जीवन की कामना करें। राखी बंधवाने के बाद भाई को बहन का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। प्राचीन काल में नकारात्मकता और दुर्भाग्य से रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता था। माना जाता था कि रक्षा सूत्र पहनने से व्यक्ति के विचार सकारात्मक और मन शांत रहता है। हालांकि अब रक्षा सूत्र ने राखी का स्वरूप ले लिया है और इसका उद्देश्य भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाए रखना होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।